दमोह उपचुनाव में पैसा बांटने के लिए शासकीय गाड़ी में पैसा लाए जाने का आरोप लगाते हुए जब लोगों ने आवाज उठाई तो वाहन को मौके से निकलवा दिया गया। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ बोले कि जनता ने मंत्री की गाड़ी पकड़ी जिसमें करोड़ों रुपए भरे थे। आरोप लगाया गया कि जनता का समर्थन नहीं होने के कारण पुलिस प्रशासन और पैसों का उपयोग कर चुनाव जीतने का बीजेपी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से को ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए। ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी।